हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। चाकू मारकर ऑटो रिक्शा तथा नकदी लूटकर फरार होने वाले अज्ञात बदमाशों को 12 घंटे में किया गिरफ्तार। थाना तेजाजी नगर ने दिखाई सक्रियता। इंदौर थाना तेजाजी नगर इंदौर पर फरियादी धर्मेंद्र कदम द्वारा रिपोर्ट किया कि दिनांक 27 जून 2021 को रावगोल चौराहे से अपने ऑटो में चार सवारी लेकर तेजाजी नगर चौराहा आ रहा था कि रात्रि 10 बजे करीब ऑटो में बैठे दो बदमाशों द्वारा राजस्थानी ढाबे के पास बाथरूम का बहाना बनाकर ऑटो रुकवाया। जैसे ही मैंने ऑटो रोका तो दो बदमाशों ने मुझे ऑटो से बाहर खींच लिया। तीसरे व्यक्ति ने मेरी गर्दन पर चाकू रखा और मेरे पास रखे नकदी तथा ऑटो रिक्शा मुझे चाकू मार छीन कर ले गए। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना तेजाजी नगर इंदौर पर अपराध क्रमांक 368/2021 धारा 394 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इंचार्ज थाना प्रभारी उन्नी अमृतलाल गवरी को एक पुलिस टीम बनाकर त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस टीम द्वारा हुलिये के आधार पर आरोपी गणों की तलाश करते दिनांक 28 जून 2021 को मुखबिर की सूचना पर राला मंडल अभ्यारण के आगे तिल्लौर रोड इंदौर से आरोपी गण मोहित पिता दिनेश गुर्जर उम्र 22 साल, प्रतीक पिता रितेश राव उम्र 18 साल, शकील शेख पिता रसीद उम्र 25 साल, अरुण पिता मानसिंह मंडलोई उम्र 25 साल सभी निवासी इंदौर को गिरफ्तार किया गया तथा बदमाशों से फरियादी से लूटा गया ऑटो रिक्शा तथा नकदी बरामद किया गया है। प्रकरण में गिरफ्तार शुदा आरोपी गणों से अन्य लूट की घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है। उक्त कार्यवाही में इंचार्ज थाना प्रभारी उन्नी अमृतलाल गवरी, उन श्यामलाल नंबर, देवेंद्र सिंह परिहार, नितिन बिल्लौरिया, कृष्ण चंद्र शर्मा, अखिलेश भदौरिया, नरेंद्र मंसारे, नारायण सौरभ शर्मा, नीतीश अनिल एवं मुकेश मावी की सराहनीय भूमिका रही। सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।